पता नहीं वो किस बार इस सालिध्य में पूरा देश आज योग में ही लड़ाई ले रहा है। आज पूरा देश जवान हो रहा है, पूरा देश निरोग सुख शांति समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज इसी अभियान के अंतर्गत बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के बलिगांव पंचायत स्थित डिहरी गांव के ऐतिहासिक सभा स्थल पर हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के 4th दिन पूरे गांव वासी जिसमें छोटे छोटे बच्चे माताएं बहने और पिता तुल्य बुजुर्ग सभी नौजवान भाई बहनों को मैं डॉक्टर ब्रजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योग के अखबार आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये 5 दिवसीय योग शिविर के कार्यक्रम के आयोजक हमारे बीच बैठे, जिस प्रकार से गंगा को शंकर की जटाओं से तपोनिष्ठ भगीरथ ने प्रयास करके, जिसे आजकल हम लोग भगीरथ प्रयास करते हैं, जो असंभव को संभव करता है उसकी तुलना हम लोग भगीरथ जी से करते हैं कि भगीरथ प्रयास करके इस कार्यक्रम को पूरा किया। तो ऐसे भगीरथ प्रयास करके आदरणीय हमारे बीच बैठे हैं दिनेश सिंह जी, जिन्होंने कई वर्षों से मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग बना रहे थे योजना कि डिहरी गांव में कार्यक्रम 5 दिनों का हो। और मैं एक बार आप सबके तरफ से आदरणीय दिनेश सिंह जी को करतल ध्वनियों से स्वागत करते हुए, ऐसे व्यक्तित्व यदि हर गांव में एक एक हो जाए तो हर गांव में योग दिवस का योग शिविर का आयोजन होने लगे और हम सभी निःशुल्क रूप से ऐसे विराट कार्यक्रम को हम अपने जीवन में, हम अपने क्षण क्षण में, पल पल में अवतरित कर सकते हैं। तो आइए आज हम सभी सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शरीर के एक एक जोड़ों को कैसे निरोग बनाए, जिसमें घुटने का दर्द हो, तलवे का दर्द हो, इसके बाद कमर का दर्द हो, साइटिका हो, गठिया हो, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो, आंखों की समस्याएं हो, माथा दर्द हो, माइग्रेन हो, आपके रीढ़ की समस्याएं हो, किसी भी जोड़ों का दर्द हम यदि नियमित अभ्यास करें सूक्ष्म व्यायाम का तो जीवन में कभी हो नहीं सकता है। और कुछ दर्द का तो दुनिया में कोई दवाई नहीं है। आपके पास जब तक पैसा है तब तक एक्सरे करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, पेन किलर खाएंगे, दर्द निवारक दवाई गोलियां खाएंगे, और जब पैसा खत्म हो जाएगा डॉक्टर समझ जाएंगे कि अब मरीज के पास विशेष कुछ बचा नहीं है, तो आपको बोलेगा कि आप नाम कटवा लीजिए और घर ले जाइए और इनको रामदेव बाबा का कुछ चेला मिले तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवा के, कुछ योगाभ्यास करवा के और इनको सुख चैन की नींद आने दीजिए। तो आइए अब हम सभी धीरे धीरे पैरों को खोल लेते हैं। ये हो गया दंडासन। दोनों हथेली को कमर के साथ लगा करके और एक बार शरीर को इस पर भार देख उठा के देख लेते हैं, पूरा सता हुआ है शरीर सीधा आपका। अब पैर की अंगुली के जोड़ों से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे पूरा। अब सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को मोड़ेंगे धीरे धीरे। ये पैर आपका खड़ा रहेगा पूरा तलवा, केवल सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुलियों को मोड़ना, फिर सांसों को भरते हुए पैर की अंगुलियों को सीधा करना। ये 2 बार 3 बार आपका होगा। अब दूसरा अभ्यास, सांसों को भरते हुए पूरे तलवे को अपनी तरफ और सांसों को छोड़ते हुए पूरे पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं 5-7 बार तक। तो आइए पूरा लंबा गहरा सांस भरिए और पूरे तलवे को आगे ले जाइए। तो आगे ऊपर का नस खींच रहा है और अपनी तरफ लाएंगे तो नीचे का नस खींच रहा है। अब ये गठिया नहीं होगा, स्याटिका नहीं होगा,
कमर दर्द नहीं होने देगा, जीवन में लकवा भी कभी नहीं लग सकता, इतना है इसमें जबरदस्त ताकत। सांसों में सब बसा हुआ है, जितना सांस भरेंगे और ये अभ्यास करेंगे तो उतना ही लाभ आपको मिलना तय है। अब दूसरे अभ्यास को गोल गोल पैरों को घुमाते हैं बाएं से दाएं की तरफ और फिर दाएं से बाएं की तरफ, दोनों तरफ से घुमा लिया और लंबा लंबा सांस भर रहे आप लोग। सांस से पता चले इसमें हुकारी नहीं भरना है कि हाँ ऐसे भरिए, पता चले कि हम लोग सभी जिंदा है। सांस रुक जाए तो कोई हम लोग यहाँ से घर ले जाएगा, बोलिए, यही जुगाड़ करेगा और यहीं से सीधे यात्रा तय कराएगा। इसलिए हम सब घर जाना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो लंबा लंबा सांस लेना सीखना पड़ेगा। अब दूसरा अभ्यास करते हैं, पैरों को सांस भर के घुटने को उठाना और सांसों को छोड़ते हुए घुटने को जमीन पे ले आना, एड़ी आपका वहीं रहेगा। चलिए हट जाओ बेटा, उधर लेते हैं करो, फिर इसके बाद अगला अभ्यास करते हैं। ये दोनों घुटना का जो ऊपर होता है चक्र, इसको खींचते हैं सांसों के द्वारा ऐसे, पूरा सांस भर भर के खींचना छोड़ना हो रहा है ना, ये 8 बार 10 बार 20 बार रोज कर ले आप। अब दूसरा अभ्यास, सांसों को भरते हुए पैर को मोड़ना दाहिना, सांसों को छोड़ते हुए आगे ले जाना, फिर सांसों को भरते हुए बाएं पैर को मोड़ना, सांसों को छोड़ते हुए फिर आगे ले जाना। तो आइए जमीन में रगड़ते नहीं, हाँ उठा करके जाते हैं, एक तो तिरपाल मिलता नहीं जल्दी, कुछ क्या आजकल दे नहीं रहा है कि फट जाएगा, अब रगड़ देंगे तो फिर मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसे वो हमें लाभ भी कम देगा और ऐसे ये भी ना 10 से 20 बार कर ले। फिर अगला अभ्यास, दोनों हाथ को घुटने के नीचे लगाते हैं और यहाँ लाते हैं, अब इसको ऊपर उठा करके सांसों को छोड़ते हुए आगे ले जाना, भरते हुए पीछे लाना ऐसे, और ये आपका घुटना सीने में सट रहा है ऐसे, बताइए, और ये पूरा वृत्त बनाते हैं गोल गोल, फिर इसको उल्टा कर लिए ऐसे, फिर दूसरे पैरों से भी, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, पूरा सांस भरिए। उल्टा आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, ताए से फिर उल्टा कर लीजिए ऐसे, हुआ, आप दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के ऊपर रख लिया, अब सांसों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, पूरा हटाइए, जिनको नहीं सकते तो दोनों हाथ लगा करके हम हटा सकते हैं, फिर ऐसे नीचे ले जाते हैं, शरीर सीधा रहे और घुटना ऊपर नीचे करना है, फिर थोड़ा एड़ी आगे ले जाकर के इसको भी गोल गोल क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं धीरे धीरे सांस, ये सूक्ष्म व्यायाम जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही लाभ ज्यादा होता है इसका। तो ये अभ्यास, फिर इसको गोल गोल घुमाया, सांस भरिए, सांस भूल जाते हैं लगता है नहीं, ये अभ्यास करने के उसके अनुसार सांस लेना है, जैसे इसको घुमाते हैं तो सांस को यहाँ तक लिया, फिर सांस उसको छोड़ दिया,
फिर दूसरे पैसे भी कर लिया ऐसे। वो चिरोटियां हटा दी थी, चार दिन हो चुका दीजिए उसको दीजिए। वो दूसरे आदमी को फेंक रहे थे ये सब। हाँ ये तो चार दिनों से संकल्प चल रहा है, सब पे संकल्प ले रहा था, कम से कम खैरी तो छूट जाए क्या। चलिए फूल फूल घुमाते हैं ऐसे धीरे धीरे, लगता है ना कि अमृत है क्या। ऐसे फिर घुमा लिया, अब आते हैं बटरफ्लाई करते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में लड़ाते हैं, अब ये दोनों एड़ी को सकाते हैं जांघ में, आगे से ग्रिप लगा करके ये केवनी को पंजरी में लगाया, सीधे को बाहर निकाल दिया ऐसे। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए पैर ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए पैर को नीचे करते हैं धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे इसको करिए, थोड़ा इसको और गिराइए माता जी ऐसे घुटना को, ये वाला। हाँ धीरे धीरे गिरेगा, बहुत अच्छा अभ्यास करिए धीरे धीरे। ये अभ्यास इतना बढ़िया अभ्यास है कि ये आपके कमर दर्द से लेकर के, आपके घुटना दर्द से लेकर के, गठिया सैटिका से लेकर के, और बाजुओं में ताकत से लेकर के, हृदय को भी मजबूत करने वाला ये अभ्यास है। और जो गर्भवती माँ बहने हैं सातवें महीने से नौवें महीने तक अभ्यास करें तो 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, और हम अस्पताल के चक्कर से या हम ऑपरेशन के जो गलत अभी चक्कर चल रहे हैं अस्पतालों में उससे हम बच सकते हैं। और जो अकाल मृत्यु हो जाता है माँ बहनों का ऑपरेशन के चक्कर में, वैसे हम स्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं केवल इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से। तो आइए अब पैरों को सीधा किया, अब हाथों को आगे कर लीजिए, रोक दिया।